नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है गूंगी। गूंगी कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब इसे सुभा ही कहकर बुलाते। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है, यह बात सबकी समझ में नहीं आती। और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं, किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो, लेकिन जहां पीड़ा है उस स्थान को क्या कोई कभी भूल सकता है। माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जागती जागती बनी रहती। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। सुभा के पिता वाणी कंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुभा को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली काली आंखें अवश्य है और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप उठते हैं। वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझा सी जाती है। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए ना जाने क्या देखती रहती है, तो कभी चंचल दामनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती है। और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है। करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान उन आंखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जीवाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वह नीरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस्य नहीं। वह अपनी एकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है।
दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ उसका मानो एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्नचित असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। वाणी कंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसकी खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूस का ढेर, आम कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में आसानी से चलने वाली, ऐसे सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं, पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मर्मर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर से गमनागमन, आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चीर स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत, यह भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है, उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झिंगुरों की छिन छिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित, संगीत, क्रंदन और उच्चाओं से भरी पड़ी है। और दुपहरिया की ओर नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतरने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता, तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं, बात ही भी नहीं। सो गौ घर में दो गाय हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे अपने पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती है। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ बेभाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सौरों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भलीभांति समझ जाती। सुभाषिनी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से सब जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती, इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिनी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसके मन में वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंग घिस घिस कर उसकी अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तब सुभाषिनी को गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता,
और सुभासनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। उच्च श्रेणियों के प्राणियों में सुभासनी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जीवा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेह मात्र होते हैं। कारण, किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मलकियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एकाध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांवों में दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम धंधों में, हास प्रयास में और जहां कहीं भी एक आध की कमी देखी वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभासनी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलते मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है, अतः प्रताप सुभासनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभासनी को सुबह कहते किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुबह को सू कहकर पुकारता। सुभासनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीरा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगा कर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके किसी काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि वह किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं। लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और वह न कुछ कर ही सकती थी। तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देख कर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू सू में यह करामात मुझे क्या पता था। मान लो सुभासनी यदि जल पड़ी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जरित शैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे यह तो अपनी वाणी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या सू, मेरी सू, आज मणियों से जटित गंभीर निस्तब्ध पाताल पूरी की एकमात्र जलपरी बन बैठी है, तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती? क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सू प्रजा सुनने पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणी कंठ के घर में पैदा हुई और इसलिए वह आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभासनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है
मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन और निर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वो अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोखे को खोलकर भय त्रस्तावस्था में मुंह निकाल कर बाहर की ओर देखा। देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम निरवता की अंतिम परिधि तक, यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है। वाणी कंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से है और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणी कंठ गांव से बाहर प्रदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले चले। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। कुहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आए। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे कोई भी बात समझा कर बताते ही नहीं थे। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रिसु, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसी शिकारी की ओर ताकती हुई आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वह वृक्ष की नीचे नहीं बैठी। वाणी कंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, शुभा उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढांढस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की दो बूंदें ढुलक पड़ी। जब कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है, सुभा ग्वाल घर में अपनी चीर संगनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर, गले में बांह डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को न रोक सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुभा अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई। मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटा कर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ, मेरे सामान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जड़ी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों।
अंदर से बहुत डांट फटकार कर बता कर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है। और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम हुआ आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदे उसका मूल्य बढ़ाने लगी। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गुंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंप कर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछां की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गुंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी, किंतु कोई उसे समझ न सका। अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका। अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को विवाह लाया। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी। कैसी लगी आपको गूंगी? यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।